Hello guys, this side Ashish Tamori and welcome to my guitar tutorial. This is tutorial number 5 और इस tutorial में हम लोग बात करेंगे what is the function of your left hand. ठीक है, तो left hand का जो primary function होता है वो होता है fretting the notes. अब ये fretting the notes क्या होता है? Fretting the notes होता है जैसे आपको इस fretboard पे काफी सारे ना frets दिख रहे होंगे. ठीक है, अब इन frets को बनाने से हुआ क्या? इस स्प्रेड बोर्ड पे काफी सारे नोट्स जनरेट हो गए. ठीक है, जैसे ये सारे क्या हैं, जैसे सेकंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग को अगर मैं प्ले कर रहा हूं तो ये मेरा क्या है, एक पर्टिकुलर नोट. ये मेरा क्या है, एक पर्टिकुलर नोट. ये मेरा क्या है, एक पर्टिकुलर नोट. तो आपको दिख रहे होंगे इतने सारे फ्रेट्स हैं, तो काफी सारे इसमें क्या जनरेट हो गए, नोट. तो जब भी आप कभी अपने लेफ्ट हैंड से इन नोट्स को पकड़ते हो कॉर्ड की फॉर्म में या फिर इंडिविजुअल नोट्स को पकड़ते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेटिंग दी नोट्स. ठीक है, और प्ले किससे करते हैं हम उन नोट्स को, राइट हैंड से. जैसे अभी मैंने यहां पे कौन सा नोट पकड़ा हुआ है, सी नोट. ठीक है, सी नोट पकड़ा हुआ है और प्ले किससे कर रहा हूं उस नोट को, राइट हैंड से. ठीक है, तो जब भी मैं कभी अपने लेफ्ट हैंड से फ्रेट बोर्ड पे नोट्स को पकड़ता हूं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेटिंग दी नोट्स. अब देखते हैं इन नोट्स को सही तरीके से फ्रेट बोर्ड पे पकड़े कैसे. तो जब भी आप कभी एक पर्टिकुलर नोट को पकड़ोगे वो कैसे पकड़ोगे, अपनी फिंगर की ये जो टिप दिख रहा है आपको, इस टिप के थ्रू. ठीक है, और ये टिप कैसी होनी चाहिए उस नोट पे, परपेंडिकुलर टू दी फ्रेट बोर्ड. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, जैसे मैंने ये सी नोट पकड़ा हुआ है, कैसे पकड़ा हूं मैं, बिल्कुल मेरी फिंगर कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर टू दी फ्रेट बोर्ड, और पीछे क्या रहेगा मेरा ये थंब. ठीक है, पीछे रहेगा मेरा ये थंब इसको सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, अब मान लो मेरे को सी कॉर्ड प्ले करनी है, तो ये फिंगर इस नोट पे आएगी, ये फिंगर इस नोट पे आएगी और रिंग फिंगर आएगी मेरी इस नोट पे. और ये सारी की सारी कैसे आ रही हैं, ये जो फिंगर्स के जो पैड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दी फ्रेट बोर्ड. ठीक है, ये देखो परपेंडिकुलर टू दी फ्रेट बोर्ड, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, और मेरा थंब किधर आ रहा है, पीछे. ठीक है, अब आपको स्ट्रिंग को पकड़ना कहां पे, एक पर्टिकुलर फ्रेट पे, जस्ट फ्रेट के पीछे. जैसे मैं कहूं सेकंड स्ट्रिंग को पकड़ो फर्स्ट फ्रेट पे, तो ये मेरा फर्स्ट फ्रेट है. ठीक है, और सेकंड स्ट्रिंग कहां है मेरी, ये वाली, तो कहां पर पकड़ूंगा, इस फ्रेट के जस्ट पीछे. ठीक है, दूर नहीं, जस्ट पीछे, और ना ही इस फ्रेट पे. कहां पकड़ना है, इस फ्रेट के जस्ट पीछे. ठीक है, तभी परफेक्ट आवाज आएगी. इसमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि मेरे को कोई भी नोट में पकड़ूं उसमें मेरे को ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, सफिशिएंट प्रेशर लगाना है. ठीक है, ज्यादा प्रेशर लगाओगे इट्स अ वेस्ट ऑफ योर एफर्ट. ठीक है, और अगर कम प्रेशर लगाओगे तो ढंग से प्ले ही नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को कोई भी एक नोट पकड़ूं, ये नोट पकड़ लेता हूं. ठीक है, इस पर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं. ठीक है, ये नोट ऐसा साउंड कर रहा है, अब मैंने प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाया तो ये क्या हो गया, म्यूट हो गया. ठीक है, ये स्ट्रिंग म्यूट हो गई, अब मैं सफिशिएंट प्रेशर लगा रहा हूं. अभी मैं सफिशिएंट प्रेशर लगाया हूं और अभी मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया. ठीक है, साउंड में आपको कोई डिफरेंस नजर आया नहीं, वो प्रेशर आपका क्या हुआ, वेस्ट हुआ, वो एफर्ट आपका क्या हुआ, वेस्ट हुआ. ठीक है, तो आपको कितना प्रेशर लगाना है, सफिशिएंट. अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे, ये मान लो आपने एक कॉर्ड पकड़ी सी कॉर्ड और इसमें आपने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, हर नोट पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया. ठीक है, अब जब आप कभी कॉर्ड चेंज करोगे, मान लो यहां से मेरे को एक कॉर्ड चेंज करनी है, तो काफी दिक्कत होगी. ठीक है, आपने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो जब भी आप कभी किसी दूसरी कॉर्ड को चेंज करोगे, इस कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पर जाओगे, तो
उसमें टाइम इंटरवल जो होगा, चेंज करने का जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर आप सफिशियंट अमाउंट में प्रेशर लगा के किसी कॉर्ड को पकड़ते हैं तो आपको चेंज करने में आसानी होगी, एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड में जाने में आसानी होगी, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। और अगर प्रेशर आपने ज्यादा लगाया तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और अच्छे से आप चेंज भी नहीं कर पाओगे इतना फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो आपको कितना प्रेशर लगाना है, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना, सफिशियंट प्रेशर, ठीक है, ना ज्यादा ना बहुत कम। अब अगर आपको अपनी एक फिंगर से मल्टीपल नोट्स को पकड़ना हो तो आप कैसे पकड़ेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक कॉर्ड, ठीक है, अब मेरे को अब इस कॉर्ड को प्ले करने के लिए मैं कितनी फिंगर्स का यूज कर रहा हूँ, अपनी तीन फिंगर्स का, ठीक है। अब मेरे को ये तीनों नोट्स, कौन कौन से नोट्स मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें, ये और ये वाला नोट, ठीक है, ये तीनों नोट प्ले कर रहा हूँ। बट अगर ये तीनों नोट्स को मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक फिंगर से, अपनी सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर से अगर पकड़ना हो तो मैं कैसे पकड़ूंगा, उस टाइम पे मैं अपनी फिंगर का ये वाला पोर्शन यूज नहीं करूंगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये यूज नहीं करूंगा, क्या यूज करूंगा, अपना ये पैड, ये पैड वाला जो पोर्शन है वो यूज करूंगा। कैसे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा को पूरा पैड यूज करूंगा। बहुत सारे लोग यूज करते हैं इस एक कॉर्ड को अपने इस पैड से पकड़ना, ठीक है। तो अगर आपको कभी मल्टीपल नोट्स को एक फिंगर से प्रेस करना हो, मल्टीपल नोट्स को एक फिंगर से पकड़ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पैड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप अपनी इस पूरी फिंगर का ये वाला पोर्शन भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल नोट्स को पकड़ने के लिए, ये वाला पूरा पोर्शन, जैसे कि हम बार कॉर्ड्स में करते हैं इसका यूज। सपोज ये एक बार कॉर्ड है, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, अपने इस वाले पोर्शन से ये जो सारे नोट्स है, ये नोट 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 है, इस स्प्रेड पे ये जो पूरे नोट्स है इनको क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, अपने फिंगर्स के इस वाले पोर्शन से इन सारे नोट्स को यहां पकड़ रखा है, उसके बाद अपनी इन फिंगर्स से, एक दो तीन इन फिंगर्स से ये पर्टिकुलर कॉर्ड पकड़ रखी है, और ये पूरी मिला के क्या हो गई मेरी एक बार कॉर्ड, ठीक है। तो हमने देखा हम नोट्स को किस किस तरीके से पकड़ सकते हैं, अपनी फिंगर्स के ये वाले सामने वाले पोर्शन से, ठीक है, इस पैड से, और इवन इस उंगली के इस पूरे पार्ट से, ठीक है, होल फिंगर्स से, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं, जैसे कुछ टेक्निक है हैमर ऑन, पुल ऑफ, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हैमर ऑन क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। जैसे कि मैंने यहां नोट पकड़ा हुआ है, इसको प्ले किया, और प्ले करने के बाद तुरंत मैंने इस नोट पर रख दिया बिना हिट किए, ठीक है। जैसे दोबारा देखना, साउंड में डिफरेंस नजर आ रहा है, ये साउंड हैमर ऑन करते ही थोड़ा सा साउंड नीचे चली गई, दोबारा से देखना, हैमर ऑन, हैमर ऑन, हैमर ऑन, ठीक है, इसको बोलते हैं हैमर ऑन। पुल ऑफ क्या है, जस्ट इसका रिवर्स। अब इन दोनों नोट्स को पकड़ा हुआ मैं, ठीक है, अब मैंने इस स्ट्रिंग को हिट किया, इसको अलग हटाना, अब देखना साउंड में थोड़ा सा चेंज आएगा जब मैं इसको अलग हटाऊंगा, इसको बोलते हैं पुल ऑफ। ठीक है, पुल ऑफ, पुल ऑफ, आया चेंज, इसको बोलते हैं पुल ऑफ, ठीक है। अब इन दोनों को मैं एक साथ करूं उसको बोल देंगे हम ट्रिल्स। हाँ, पुल ऑफ की एक और बात है कि जब भी मैं अपनी उंगली हटाऊंगा तो हल्का सा स्ट्रिंग को नीचे खींचते हुए, ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, ये हो गया पुल ऑफ। और हैमर ऑन और पुल ऑफ को जब मैं एक साथ करूं तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रिल्स, ठीक है। जैसे ये देखना, हैमर ऑन पुल ऑफ, 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 हैमर ऑन पुल ऑफ,
ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं एक साथ करूं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिल्स। ठीक है, तो ये तो कुछ टेक्निक है जो हम लेफ्ट हैंड से करते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक है जिसको हम लेफ्ट हैंड से करते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड का जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है म्यूटिंग। ठीक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था म्यूटिंग किससे कर रहे थे हम, राइट हैंड से। म्यूटिंग हम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे बहुत बेसिक सी, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को जस्ट स्ट्रिंग्स पे रख दूं तो आप देखना, ठीक है, दिस कॉल्ड म्यूटिंग। अब ये म्यूटिंग हम लेफ्ट हैंड से और कैसे कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। मान लो कोई भी एक कॉर्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे इन चार स्ट्रिंग्स का साउंड चाहिए ऊपर वाली, इन दो स्ट्रिंग्स का क्या चाहिए मुझे, म्यूट वाला साउंड चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है, मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है। अब और तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन चार स्ट्रिंग का साउंड चाहिए, इन दोनों का नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों उंगली से तो मैंने क्या किया, वो पर्टिकुलर कॉर्ड पकड़ ली, ठीक है, और अपनी इस फिंगर से, ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, इससे मैंने क्या किया, ये वाली फिंगर की, तो ये वाली स्ट्रिंग की तो मेरे को साउंड चाहिए ना, तो इससे मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये आपको दिख रहा है, ये इंडेक्स फिंगर का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, मैं हल्के से किस पे रख दूंगा, इन दो स्ट्रिंग्स पे रखूंगा, ठीक है। इससे हुआ क्या, ये दो स्ट्रिंग म्यूट हो गई और बाकी की स्ट्रिंग प्ले हो रही है, ठीक है। तो इसमें किसका साउंड आ रहा है, सिर्फ इन चार स्ट्रिंग्स का, ये दोनों क्या है, म्यूट हो रखे हैं। तो इस तरीके से म्यूटिंग कर सकते हो आप अपने लेफ्ट हैंड से, ठीक है। कि आप अपने हाथ का जो पोर्शन यूज कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे कि मैं ये वाले पोर्शन से इन स्ट्रिंग्स को म्यूट कर सकता हूं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, आप अपने लेफ्ट हैंड से। अब देखो, जैसे आप इस तरीके से भी म्यूट कर सकते हो, जैसे अभी शुरुआत में मैंने क्या कर रखा है, इस ये वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ इन स्ट्रिंग्स पर रख रखा है, दबाया नहीं है, तो ये क्या, ये सारी स्ट्रिंग्स क्या हो गई, म्यूट हो गई। अब मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को, तो ये वाली जो उंगली है उसको वैसे ही रखने दिया, और इससे आगे जो भी नोट्स हैं इन तीन उंगली से मैंने क्या किया, इन नोट्स को अच्छे से प्रेस कर लिया। ये साउंड कहां से आई, ये जो तीन उंगलियां हैं इनको मैंने क्या कर दिया, अच्छे से प्रेस कर लिया और इसको वैसे ही रखे रहने दिया। ऊपर की ये दो स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग से म्यूटिंग वाली साउंड आ रही थी, और बाकी की ये जो तीन स्ट्रिंग्स हैं, ये इनसे कैसे, इनकी नॉर्मल साउंड आ रही थी, ठीक है। तो म्यूटिंग करने के और भी काफी सारे तरीके हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से म्यूटिंग कर सकते हो, और मैं भी बताऊंगा आपको काफी सारे तरीके म्यूटिंग के, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि म्यूजिक नोट्स को पढ़े कैसे, ठीक है, बाय बाय।